नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से वाराणसी के दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, बता दें कि MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही PM वाराणसी में कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए दिखेंगे। इस दौरान बता दें कि दुनिया के सबसे लंबे जल मार्ग पर चलने वाली MP गंगा विलास क्रूज यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। काशी से बोगीबील तक 3200 किलोमीटर की रोमांचक यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल होंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ भी रविदास घाट पर मौजूद होंगे। क्रूज का फ्लैग ऑफ समारोह बंदरगाह नौवाहन और साथ ही जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य मंत्रियों और साथ ही विभिन्न मंत्रियों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित दिखेंगे। बता दें कि रिवर क्रूज MP गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चलकर असम के डब्लूगढ़ पहुंचेगी और इस दौरान 51 दिनों में 3200 किलोमीटर नदी मार्ग तय करके यह क्रूज भारत के अलग अलग राज्यों से होते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डब्लूगढ़ पहुंचेगी। बता दें कि इस दौरान ये बताया गया है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MP गंगा विलास भारत के बनने वाला पहला क्रूज है। यह रिवर क्रूज सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का ये प्रतीक है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे क्रूज को हरी झंडी दिखाते हुए वर्चुअल माध्यम से नजर आएंगे, तमाम तरीके के कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम अधिकारी और साथ ही काफ़ी बड़े नेता यहां मौजूद होंगे। इस दौरान इस क्रूज में 32 स्विट्जरलैंड के पर्यटक मौजूद है और ये क्रूज जो है बांग्लादेश होती हुई असम पहुंचेगी। और इस मौके पर बता दें कि खास तैयारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से और ये क्रूज जो है काफ़ी लंबा क्रूज है। और ये बता दें कि ये क्रूज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे और जिस तरीके से ये क्रूज की शुरुआत के साथ साथ और भी तमाम योजनाओं की शिलान्यास की जाएगी, ये बताया जाए कि ये एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक देता हुआ नजर आएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से इस क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे और यह क्रूज जो है बता दें कि काफ़ी अहम है और इस दौरान यहां पर तमाम पर्यटक जो है जल मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। इसमें 32 जो है स्विट्जरलैंड के पर्यटक मौजूद है इस क्रूज में और इसको लेकर प्रशासन ने सख्त तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। गृह मंत्री रजौरी का भी दौरा करेंगे। इसके लिए जम्मू से लेकर रजौरी तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। वे जम्मू के तकनीकी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद वहां से रजौरी के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वहीं DGP दिलबाग सिंह और साथ ही ADGP मुकेश सिंह इस दौरान रजौरी पहुंच चुके हैं कल, जबकि बता दें कि आज गृह मंत्री के साथ केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया एजेंसियों के मुखिया समेत कई अन्य बड़े अफसर मौजूद होंगे। साथ ही बता दें कि रजौरी में हिंदू परिवारों के साथ मिलने के बाद वे वहीं पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सुरक्षा बैठक करेंगे। इसमें टारगेटिंग किलिंग को रोकने, हिंदू परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने, सीमा पार आतंकी साजिशों को नाकाम करने संबंधी मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। कश्मीर और उसके बाद से जम्मू बता दें कि संभाग में होने वाली टारगेट किलिंग को लेकर अमित शाह सुरक्षा एजेंसियों के साथ गहरा मंथन करेंगे। साथ ही बता दें कि वहां पर पुलिस और अन्य एजेंसी के कुछ खास लोग भी मौजूद होंगे, जिसमें हिंदू इलाकों में सुरक्षा को लेकर कैसी ठोस व्यवस्था की जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि अमित शाह आज यहाँ बता दें सुरक्षा को लेकर और जिस तरीके से टारगेट किलिंग का मामला इन दिनों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट किलिंग की जा रही थी हिंदू परिवारों को, इसको लेकर आज बैठक करेंगे और इस दौरान तमाम उनके साथ अधिकारी भी मौजूद होंगे। इस बात पर ज़्यादा निष्कर्ष और चिंता विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से ये टारगेट किलिंग को रोका जाए और किस तरीके से हिंदू परिवारों को सुरक्षा दिया जाए। बता दें कि आज केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और इस दौरान गृह मंत्री रजौरी भी जाएंगे और इसके साथ ही बता दें कि रजौरी तक
सुरक्षा के कड़े इंतजाम बंदोबस्त किए गए हैं और जम्मू के तकनीकी एयरपोर्ट पर वे पहुंचेंगे और इसके बाद से वहां से रजौरी के लिए हेलीकॉप्टर से जाएंगे। वे बता दें कि डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी मुकेश सिंह और कल ही रजौरी पहुंच चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने तमाम तरीके का जायजा भी लिया है, तमाम तरीके की दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन को देते हुए नजर आए थे। वहीं गृह मंत्री आज बता दें कि वहां पहुंचेंगे और इस दौरान वे तमाम तरीके की बैठक भी करेंगे, साथ ही इस दौरान खुफिया एजेंसी के साथ उनकी बैठक होगी जो काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले काफ़ी सामने आए इन दिनों, इसको लेकर इस दौरान काफ़ी विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से वहाँ पर हिंदू परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराने जैसे सीमा पर आतंकी साजिश को भी नाकाम करने की पूरी कोशिश की जाएगी और इसको लेकर बातचीत की जाएगी। कश्मीर और इसके बाद से जम्मू संभाग में होने वाले टारगेट किलिंग को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों के साथ गहरा मंथन किया जाएगा और इस दौरान बता दें कि पुलिस और अन्य एजेंसी के कुछ खास दिशा निर्देश दिए जाएंगे और साथ ही हिंदू इलाकों में किस तरीके से सुरक्षा के ठोस इंतजाम किए जाए जिससे हिंदू परिवारों को राहत मिल सके और टारगेट किलिंग जैसा मामला ना हो, इसको लेकर भी बड़े कदम उठाने की और साथ ही तमाम तरीके के दिशा निर्देश देने की उम्मीद जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी की प्रखर आवाज और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज निधन हो गया है। उनका निधन 75 साल की उम्र में हुआ है और साथ ही बता दें कि प्रमुख समाजवादी नेता के तौर पर वे जाने जाते हैं। शरद यादव 70 के दशक में कांग्रेस विरोधी लहर में राजनीति के ऊपर उठे और दर्शकों तक प्रमुख विपक्षी चेहरों में तौर पर बने रहे। उन्होंने लोकदल और जनता पार्टी के जरिए करियर में आगे बढ़ाया है। शरद यादव ने जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लंबे समय तक राजनीति की है और साथ ही शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं और इस दौरान 3 बार वे राज्यसभा के सांसद भी बने थे। इस दौरान वे बता दें कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी वे मंत्री रहे थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े शख्सियतों ने शोक जताया है। साथ ही बता दें कि शरद यादव 1989 से 90 में टेक्सटाइल और फूड मंत्री थे। इसके बाद 13 अक्टूबर 1999 में नागरिक उद्यान मंत्रालय का कार्यभार उनको सौंपा गया। 2001 में वे केंद्रीय श्रम मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बने थे और 1 जुलाई 2002 से 15 मई तक 2004 तक केंद्रीय उपभोक्ता मामले में मंत्री भी थे। खाद्य और सार्वजनिक बता दें कि वितरण मंत्री भी वे बनाए गए थे और साथ ही बताएं कि शरद यादव को पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह का भी करीबी माना जाता है। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से वे प्रभावित होते थे। उन्हीं से प्रेरित होकर शरद यादव ने कई राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था। बता दें कि MISA के तहत उन्होंने तमाम तरीके की बड़े बातें उनके तरफ से देखने को मिली थी। शरद यादव जो है OBC के राजनीति में भी बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करवाने के लिए अहम भूमिका निभाई थी और आज हमारे बीच में शरद यादव नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है और काफ़ी बड़े शख्सियत ये माने जाते थे। 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और जिस तरीके से उनकी पूरी जीवनी अगर हम देखें तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। कैबिनेट मंत्री भी बने हुए 2002 में और 15 मई 2004 तक वे केंद्र उपभोक्ता मामले में मंत्री और साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी रह चुके हैं। शरद यादव को लेकर जिस तरीके की छवि बनी हुई है पूरे देश और दुनिया में, काफ़ी ये एक बड़ी बात है और काफ़ी एक शोक की लहर पूरे देश में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से शरद यादव का निधन हुआ है या कहीं ना कहीं देश के लिए एक अहम क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर शोक व्यक्त किया, साथ ही तमाम बड़े शख्सियत ने भी शरद यादव के निधन के बाद से शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के प्रखंड आवाज और JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का आज 75 साल की उम्र में निधन हो गया था और बता दें कि 70 के दशक के कांग्रेसी विरोधी लहर में राजनीति के ऊपर उठे थे वे और दर्शकों तक प्रमुख विपक्षी चेहरे के तौर पर बने दिखे थे वे।
साथ ही बता दें कि लोक दल और जनता पार्टी के जरिए उन्होंने करियर में आगे बढ़ाया। शरद यादव ने जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी लंबे वक्त तक काम किया था और कहीं ना कहीं शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा सांसद बन गए थे और 3 बार उन्होंने राज्यसभा सांसद की कुर्सी संभाली थी। जिस तरीके से शरद यादव का आज निधन हो गया है उसके बाद से बता दें कि इसको लेकर काफ़ी बड़े चेहरे राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता ने इसको लेकर शोक व्यक्त किया है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन आज हो गया है। देश में पूरे देश में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। शरद यादव ने गुरुवार की शाम अंतिम सांस ली थी। उनके निधन पर तमाम नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि शरद यादव जी समाजवादी के पुरोधा होने के साथ एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके शोक काल परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश के लिए उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने ट्वीट कर वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन का समाचार दुखद है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिवार में संबल बनाए रखने को लेकर कामना करता हूं। साथ ही बता दें कि जिस तरीके से शरद यादव का निधन हुआ है तमाम बड़े चेहरे शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। अब राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। उसके बाद से बता दें कि अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। अशोक गहलोत का कहना है कि वरिष्ठ समाजवादी पार्टी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन का समाचार दुखद है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति एवं परिवार को संबल देने की कामना करता हूँ। और साथ ही बता दें कि राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर शरद यादव को याद किया है, उन पर शोक व्यक्त किया है। शरद यादव जी समाजवादी पार्टी के पुरोधा होने के साथ ही एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उनके बहुत कुछ सीखा है। उनके शोक काल परियोजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश के लिए उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। बता दें कि देश में पूरे देश में एक शोक लहर देखने को मिल रही है। शरद यादव के निधन के बाद से 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था, जिसके बाद से बता दें कि उनकी बेटी ने ट्वीट कर उनके निधन को लेकर जानकारी दी थी। और इस दौरान राहुल गांधी से लेकर अशोक गहलोत और बता दें कि तमाम बड़े चेहरे जो है शोक व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शरद यादव जो है काफ़ी पुरानों चेहरों में से एक थे और उन्होंने बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और साथ ही तमाम नेताओं के साथ काम किया था। उनका जो अगर हम ये करियर देखें, ये काफ़ी करियर उनका काफ़ी लंबा रहा था और काफ़ी बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया है, जिसको लेकर उन्हें देश आज याद कर रही है। शोक लहर देश में देखने को मिल रही है और साथ ही विनम्र श्रद्धांजलि लोग देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से उनको आज याद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं सब। उत्तराखंड के जोशीमठ में बता दें कि भू धसाव के कारण असुरक्षित घोषित किए गए घरों और होटलों को ढहाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन खराब मौसम के कारण काम में परेशानी आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होनी जा रही है। माना जा रहा है कि जोशीमठ मामले पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोशीमठ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक में जोशीमठ मामले पर भी चर्चा की जाएगी और जोशीमठ में आपदा प्रभावित के लिए बता दें कि पीपल कोटी, गोचर और साथ ही कोटी बाग में जमीन चिन्हित कर पर विचार किया जा रहा है और साथ ही कैबिनेट में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा आज। और साथ ही जोशीमठ में भू धसाव से प्रभावित परिवारों के लिए विस्थापन और पुनर्वास की नीति पर काम चल रहा है। राहत राशि को संशोधित करने के प्रस्ताव पर मंथन जारी है। कैबिनेट मंत्री ने इन सभी
मुद्दों पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार राहत पैकेज के रूप में 1,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। कुछ और महत्वपूर्ण विषय भी कैबिनेट बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। और साथ ही आज देश बता दें कि इस दौरान आपदा प्रबंधक विभाग के अधिकारी कैबिनेट बैठक की तैयारी में लगातार जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से जोशीमठ की तस्वीर हम देख रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से घरों में दरारें आते हुए नजर आ रही है और साथ ही जमीनों पर भी दरार देखने को मिल रही है, उसको लेकर लोग पलायन करने को मजबूर है। इस दौरान बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो है सीएम वहाँ के, वो बैठक करेंगे और इस दौरान आज अंतिम निर्णय लिए जाने पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। साथ ही जिस तरीके से वहाँ के लोग मुआवजे की बात कर रहे थे, वहाँ बता दें कि वहाँ पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया है, लेकिन और भी मुआवजे दिए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये स्टार्टिंग मुआवजे हैं और भी समय के हिसाब से चीज़ें दी जाएंगी। और बता दें कि जिस तरीके से इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि जोशीमठ को लेकर जिस तरीके से घरों में दरारें आई हैं और वहाँ के लोग जिस तरीके से परेशान हैं, उनको एक जगह पर रखा गया है लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से वहाँ के लोगों को कहीं और रख के सेट किया जाए और साथ ही तमाम मुद्दे, जिस तरीके से जोशीमठ की तस्वीर है उसको लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, कभी भी ये घर जो है ढह सकते हैं, जिसके वजह से आज सीएम धामी बैठक करेंगे और इस पे लेकर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। कई प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। और इस दौरान बता दें कि अमित शाह ने भी जोशीमठ के मुद्दों पर लेकर बातचीत की थी, बैठक की थी, इसमें भी तमाम तरीके की चर्चा की गई थी। और परसों पुष्कर सिंह धामी जो है वे खुद पीड़ितों से मुलाकात किए थे उन्होंने, और इस दौरान पीड़ित ने अपना दर्द सीएम के सामने रखा था, जिसके बाद से आज कैबिनेट की और एक बैठक होनी है और इस बैठक में कई फैसलों पर, कई प्रस्तावों पर मुहर लगती भी नजर आएगी। उत्तर भारत में आगामी 2 से 3 दिनों में फिर से शीतलहर चलने की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में इजाफा होने से फिलहाल ठंड कम हुई है। 2 दिन के बाद पूरे उत्तर भारत में तापमान फिर से कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापमान में कमी होगी। धीरे धीरे पूर्वी राज्यों में भी बता दें कि तापमान में कमी देखने को मिलेगी। शीतलहर दोबारा से आने की संभावना है। वहीं बता दें कि इस दौरान कहा यह जा रहा है कि 15 जनवरी से शीतलहर की स्थिति बन सकती है और आने वाले 2 से 4 दिन में हवाएं और भी ज़्यादा तेज हो सकती है। कोहरे की स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होगी, क्योंकि 15 से 16 जनवरी के आसपास घने कोहरे की भी आशंका जताई जा रही है। तापमान में मौसमी वृद्धि को देखते हुए उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग शीतलहर की स्थिति बनी सकती है। वहीं मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है। साथ ही IMD के ओर से जारी की गई बुलेट में अनुसार दिल्ली और उनके पड़ोसी राज्यों में कुल इलाकों में 15 जनवरी तक, बता दें कि 15 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर की संभावना देखने को मिल सकती है। विक्षोभ के कारण तेज हवाएं चलने की संभावना दिख रही है और साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे से राहत मिलेगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे देखने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बता दें कि बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री से अधिक 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बता दें कि बृहस्पतिवार को सुबह 9 बजे की वायु गुणवत्ता की 358 दर्ज की गई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।